राजस्थान में होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, बीजेपी के विधायक हैं। भाई साहब कहाँ की तैयारी आप लोगों की? हम तो हमारे बंगले में जा रहे हैं, चिंतन शिविर है हमारा। चिंतन शिविर कहाँ? ये इस बस में ही पता, हमको पताया नहीं है वहाँ जाना है। लेकिन भाई साहब कल तक आप भी आरोप लगाते रहे, कांग्रेस वाले सब जाके बैठ गए, आप खुद बैठे नहीं है। हम तो चिंतन शिविर में जाएंगे, आनंद लेंगे। कोरोना काल में कौन सा चिंतन शिविर भाई साहब, क्या चिंतन करेंगे कोरोना काल में? सब परेशान है। नए आदमी ट्रेनिंग लेंगे, नए विधायक हैं, जीत के आए हैं, हमें मतदान कैसे होता है ये पता नहीं है, तो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। सरकार इतनी दूर वहाँ जाके सब होटलों में बैठ गए, परेशानी होगी जनता सर? वो तो अपने आप में चिंतन है। वो करें साहब, हम तो हम कहीं पैक नहीं हो रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं, बैक नहीं हो रहे हैं। ये विधायक लोग हैं, ये देखिए ये बसें आ गई है इनके लिए, ये बस है, इस बस में इन लोगों को बैठाया जा रहा है, यहाँ से बाड़े बंदी करके लेकर गए हैं। मोहन राम चौधरी जी हैं, नागौर से हैं। सर जी कहाँ की तैयारी सर आप लोगों की? अभी देखो सब है, मीटिंग होनी है 5 बजे, इसीलिए कल तक आप लोग बोल रहे थे कांग्रेस वाले सब होटल में जाके बैठ गए, अब आप भी बैठोगे तो जनता कहाँ जाएगी? देखिए हम नए लोग हैं, अभी वोट कैसे डालते हैं ये तो कुछ पुराने लोग हैं वो सिखाएंगे, तब होगा ना। 19 तारीख को है वोट आज, तो 19 तारीख को तो है, लेकिन फिर भी और भी तो कई काम है ना भाई, पार्टी को तो पार्टी का काम है, सफाई देने की कोशिश है इनकी। मांडलगढ़ के विधायक साहब है हमारे साथ, गोपाल जी कहाँ जाएंगे आप लोग? हम होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे चिंतन शिविर करेंगे 2 दिन के लिए, और ये राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वहाँ पे। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, कल तक आप आरोप लगाते रहे कांग्रेस वाले सब होटल में बैठकर, आप भी बैठ जाओगे तो जनता कहाँ जाएगी भाई साहब? हम कोई होटल में बैठे नहीं जा रहे हैं, हम हमारे पार्टी की रीति नीति के हिसाब से चिंतन करने के लिए जा रहे हैं, आपस में बैठेंगे। जो अभी नया मतदान, हम पहली बार विधायक बन के आए हैं तो कैसे मतदान करेंगे उस हमें ट्रेनिंग शिक्षा। आपके इलाके की जनता को कोई परेशानी होगी तो आपसे कैसे संपर्क करेगा आप अगले कुछ दिनों तक? हमारे कोई मोबाइल बंद नहीं कराए, हमारा कोई भी समस्या होगी हम वहाँ पे हमेशा 24 घंटे जनता के लिए तैयार हैं। 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहेंगे, मोबाइल बंद नहीं करेंगे, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। ये विधायक हैं, ये देखिए सभी विधायक हैं यहाँ पर, ये जितने भी आप देखेंगे ये सभी विधायक हैं। चिंतन शिविर की ये बात कर रहे हैं, अगले कुछ दिन चिंतन शिविर में ही रहेंगे, लेकिन जनता किसके भरोसे रहेगी? शायद इनका जवाब मैं और खोजने की कोशिश करता हूँ। मैडम कहाँ की तैयारी आप लोगों की? हम चिंतन शिविर में जा रहे हैं और थोड़ा चिंतन। एक सवाल जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ मैम, कल तक आप ही बोल रहे थे कांग्रेस वाले सब होटल में बैठ गए, जनता को किसके भरोसे जा रहे हैं? ना हम होटल में नहीं जा रहे, हम चिंतन शिविर में योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं। आपका होटल चिंतन शिविर है, होटल नहीं है वो। और एक चीज बताइए, जनता को अगर कोई काम होगा तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? हमारे मोबाइल चालू है, जनता संपर्क करें, पूरी तरह से जनता से जुड़े हुए। बोला है कि मोबाइल चालू रहेगा, 24 घंटे जनता जब चाहे संपर्क कर सकती है, अपनी शिकायत का समाधान कर सकती है। फिलहाल तो चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं। ये देखिए बस में सबको बैठाया जा रहा है, ये सभी बीजेपी के विधायक हैं और ये सभी जा रहे हैं बस। इनको इतना पता होटल में रहना है, इनको पहले ही कह दिया गया है कि आप अपने अपने सामान लेकर आइए। देखिए पूर्व मंत्री से बात करता हूँ, वासुदेव देवनानी जी आ रहे हैं, बहुत सीनियर मंत्री हैं। सर कहाँ की तैयारी? सर पार्टी ने अपना चिंतन शिविर तय किया है, उसमें हम सब लोग जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो राज्यसभा के चुनाव हैं इसके अवसर कम ही मिलते हैं, और फिर हमारे 26 MLA नए हैं तो सही ढंग से वोट पड़ जाएं, उसका प्रशिक्षण भी होगा और साथ में पार्टी के बारे में चिंतन मनन करेंगे। 2 दिन साथ रहेंगे, सबके एकात्मता भाव भी बढ़ेगा। 3-4 महीने से हम लोग सब कोरोना के कारण दूर थे, उसका भी एक। सर कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कल तक आप उन पे आरोप लगा रहे थे कि होटल में जाके बैठ गए, जनता को राम भरोसे छोड़ दिया, अब आप भी राम भरोसे छोड़ रहे हैं। अच्छा कांग्रेस तो 10 दिन से चली गई हमेशा, ये तो सत्तारूढ़ पार्टी को हमेशा जो है ना विपक्ष को भय होता है, ये तो सत्तारूढ़ पार्टी को भय लगने लग गया कि हमारे सेन लगेगी। और अशोक गहलोत ने बाहर की सीमाएं जो सील कर दें, बाहर कोई नहीं जा सके। अरे बाहर से आए तो समझ में आता है कोरोना लाएगा, अंदर से नहीं आ सके। इसका मतलब उनको अपने कांग्रेस के MLAs पे ही कोई भरोसा नहीं है, उनकी आंतरिक कलह खुल कर के आई है और केवल सचिन पायलट को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार का सारा नाटक किया जा रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक आखिरी सवाल, अब तक आप पे आरोप लगता रहा कि 25 करोड़ देके विधायकों को खरीद रहे हैं, क्या आप कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को भी डोरे डाले जा रहे हैं? सर हमें तो आज तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया,
और ये विधायक का इतने हल्का लगे मुझे सप्ताह, इन्होंने विधायक का अपमान किया है, या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो शायद इनको सच चाहते तो 19 तारीख से पहले अपने एस ओ जी को जवाब देना, उसके बाद में देंगे, इसका ना लिपापोती बाद में करने वाले हैं। और यदि 25 करोड़ की बात है तो भैया ये तो हमेशा इनको ही खरीद फरोख्त यही करते आए हैं, और सत्ताधारी दल को भय क्यों, ये हमारे समझ में नहीं आता। और खरीद फरोख्त का काम उनके जिम्मे है, इन्होंने विधायक का अपमान किया है, इसके लिए निश्चित रूप से कहीं कुछ लोग हो सकता है कि मानहानि का दावा इन पर न कर दे। बहुत बड़ी बात कही है, पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, सरकार को बता रहे हैं कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा। मदन जी क्या आप लोगों को डर है कि खरीद नहीं ले इसलिए आप लोग भी होटल में जाके? हम तो, हमको तो आज तक कोई खरीद भी नहीं पाया, खरीदने आने की हिम्मत भी नहीं है किसी की, और कोई हम घोड़े नहीं है जो खरीद ले। वो कह रहे हैं अशोक जी गलत, 25-35 करोड़ तक की बात है ट्रेडिंग, यानी उनके एमएलए को घोड़े बता रहे हैं और बिकाव बता रहे हैं कि हमारे होस्ट, हमारे एमएलए का होस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी उनके घोड़े बिकाव हैं, उनके एमएलए बिकाव मानते हैं उनको, उनको शर्म नहीं आती। इसका अपमान का बदला उनके एमएलए लेंगे, और हो सकता है जब अशोक जी गलत उनका अपमान किया नहीं होस्ट ट्रेडिंग और घोड़ा कह करके, हो सकता है वो इस कारण से कांग्रेस को वोट ना करें। देखिए मदन दिलावर जी हैं सीनियर एमएलए हैं, ये राजस्थान के बहुत सीनियर एमएलए हैं, खुद भी इनका इतना कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग, इस तरह के शब्दों का उपयोग शायद नहीं किया जाना चाहिए राजनीति में, विधायकों को कम करके इस तरह से नहीं आंकना चाहिए। ये तमाम विधायक, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ये तमाम बीजेपी के विधायक हैं, बसों में बैठ चुके हैं और यहाँ से ये सीधा होटल में जाएंगे अगले कुछ दिन तक, यानी कि 19 तारीख तक राज्यसभा के वोट पड़ने हैं, तब तक ये होटलों में ही रहेंगे, इन पर कड़ी निगरानी रखेगी। ये देखिए मैं इनका सामान दिखाता हूँ आपको, सभी विधायकों को कहा है कि अपने घर से सामान लेके आ जाइए। भाई साहब आप भी सामान वामान पूरा लेके आ गए? साथ लेके हैं भाई साहब, साथ लेके आए हैं। तो एक चीज़ बताइए ना, क्या डर है कि कांग्रेस वाले आप लोगों पर डोरा डाल रहे हैं? हम तो चिंतित शिविर में जा रहे हैं, हमें कांग्रेस की तरह नहीं भेजा जा रहा है, नए कांग्रेस से नाटक कर रहे हैं हम। तो कोरोना काल में कौन सा चिंतन शिविर सर? ये चिंतन तो होता, आत्म चिंतन होता, बढ़िया रहते हैं, पारदर्शी होते हैं, पर कांग्रेस तरह हमारे वो नहीं है। आम जनता को जरूरत होगी तो कैसे कॉन्टेक्ट करेगी आपसे? आप वो हमने कोरोना के अंदर लोगों से संपर्क किया, उस हिसाब से कर लेंगे। फोन पे फोन चालू रहेगा, मतलब आप लोग चालू रहेगा तो जनता जब चाहे आप। कांग्रेस जिस तरह से औरतों को नचा रहे हैं ना होटल में, ऐसा काम नहीं करेंगे। पब्लिक के बारे में सोचेंगे, कोरोना के बारे में लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जाए, सारी बातों पर चिंतन करेंगे। लेकिन सर जनता नाराज नहीं हो जाएगी होटलों में आप लोग चले गए? नहीं, हमको वहाँ कांग्रेस जिस तरह से कर रही है वो काम हम नहीं करेंगे। सूरतगढ़ के विधायक हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कांग्रेस के लोग करते आए हैं, यानी होटलों में जाके मौज मस्ती वाला नजारा शायद बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। सही बोला, हम बिल्कुल सही, हम ये नहीं है कि वो स्नैप बना बना करके भेजेंगे वीडियो, वो काम नहीं करेंगे। बड़ी बात कही है, ये इनका सामान देखिए, ये सब सामान है गाड़ी में चढ़ रहा है, सभी लोगों को यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। गुलाब कटारिया जी देखो प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजस्थान विधानसभा में खुलकर बात करते हैं, सीनियर सबसे विधायक हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से यहाँ की राजस्थान की राजनीति चल रही है, हर आरोप का भी लगातार जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बैठे हैं, मैं इनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इस तरह के चिंतन शिविर जिसकी ये बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं, तो इस चिंतन शिविर का भाई साहब चिंतन शिविर सर चिंतन ने एक ही है, इस दो दिन का सदुपयोग करेंगे, इसको चिंतन शिविर के रूप में परिणित करेंगे, विधायकों को विधानसभा में क्या करना है उसकी भी बताएंगे, और वोट देने के बारे में भी उनको शिक्षा प्रशिक्षण देंगे कि फर्स्ट प्रिफरेंस का वोट का कितना वोट होता है, सेकंड प्रिफरेंस अगर गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, वोट अगर ट्रांसफर होता है एक से दूसरे को तो कैसे होता है। भाजपा के पूरे विधायक नहीं आए, सारे विधायक आए, 5-7 जो नहीं आए वो व्यक्तिगत बता करके गए, कोई भी ऐसा नहीं। ये राजस्थान प्रतिपक्ष के नेता हैं, साफ तौर पर कहा कि किस तरह से इनका चिंतन शिविर रहेगा, उसकी क्या जरूरत पड़ी है। तो मैं आपको एक बस में ले जाता हूँ, बीजेपी विधायकों की बस है, ये बीजेपी विधायकों की बस है, यहाँ पर सभी विधायक लोग बैठे हैं, चिंतन शिविर में ये लोग जा रहे हैं। तो चिंतन शिविर की ये है, ये देखिए ये सभी लोग हैं, अब
चिंतन शिविर में जा रहे हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से वोट देना है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, चाहते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से सीखें। भाई साहब होटल तैयारी अब जच गई? बिल्कुल तैयारी है जी। क्या वोट डालना सीखने जा रहे हैं या कुछ और? हम नए पहली बार जीत गए हैं, हमारे को पता नहीं वोट कैसे डलती है, उसका परीक्षण लेने के लिए जा रहे हैं हम। हाँ जी, जनता को अगर जरूरत होगी तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? हमारे पास मोबाइल जेब में, कभी भी कोई कॉल कर सकते। आप भी भाई साहब तैयारी के साथ आए हैं पूरे? बिल्कुल, प्रशिक्षण भी है और चिंतन शिविर भी है, और हमारे पास में ये एनी टाइम मोबाइल हाथ में ही है, दोनों दो दो मोबाइल है, जनता के लिए तत्पर है। वैसे पूरे 3 महीने से हम जनता के बीच में ही थे और अभी विशेष हमारे वहाँ क्षेत्र में ठीक है। देखिए ये बोल रहे 3 महीने से जनता की सेवा कर रहे थे, अब सर जनता कैसे संपर्क करेगी आपसे, जनता कैसे संपर्क करेगी आप लोग? तो हम जनता के बीच में थे, जनता के जो बताए हुए कार्यों में अग्रणी थे और हर प्रकार से सेवा की भावना से जनता के बीच में सेवा की थी, जबकि सत्तापक्ष ये लोग नहीं घूम रहे थे। और आज भी यदि कोई हमारे से काम, हमारे टेलीफोन खुले हैं, बात होगी। कांग्रेस लंबे चौड़े अज्ञातवास तो जानने नहीं, 2 दिन के लिए कांग्रेस के नेता डोरे डाल रहे हैं सर आप लोगों पे? नहीं नहीं, कांग्रेस डोरा वो खुद ही अपने आप से भयभीत है, इसलिए हमारे पर क्या डोरा डालोगी? कांग्रेस वाले खुद भयभीत है। ये सभी विधायक हैं राजस्थान बीजेपी के और अब चिंतन शिविर में जा रहे हैं। मैडम शायद अपने इलाके की जनता से बात करें, मैडम जनता से इसी तरह बात करेंगी आप होटल में रहने के दौरान? कोई शिकायत होगी, इस समस्या होगी तो नहीं, हम वहाँ चिंतन शिविर में बैठ के इस पे विचार करेंगे। नहीं, जनता को अगर कोई जरूरत होगी तो कैसे आपसे संपर्क करें? फोन के माध्यम से हम बात करेंगे। आप अवेलेबल रहेंगी? देखिए बहुत अच्छी बात है कि ये लोग अपना फ़ोन बंद नहीं करेंगे, जनता को अगर कोई समस्या की ज़रूरत है तो ये जनता की समस्या का समाधान करेंगे, 24 घंटे जनता के लिए अवेलेबल रहेंगे। शायद जनता को भी यही चाहिए कि उनके जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।